आज हम पार्ट सेकंड में भी कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी आपके एग्जाम में एसएससी में पूछ जाएंगे, यही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले हम अमन से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है अमन, फादर ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग लिख लीजिए। जेम्स हिकी था ये, जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, न्यूज पेपर प्रिंट कल्चर, देखिए भाई प्रिंट कल्चर चाइना में स्टार्ट हुआ था। चाइना से ये इटली गया, इटली मार्को पोलो लेके गए थे। मार्को पोलो डिस्कवर चाइना, वो डिस्कवर चाइना कुछ देखिए। यहाँ पे देखिए, वो डिस्कवर थोड़ी बातें कम करो, चाइना। ठीक है, वो डिस्कवर इंडिया, वो डिस्कवर वेस्ट इंडीज या राइट। श्रीलंका जो था, श्रीलंका को चोलास ने जीता था। श्रीलंका को चोलास ने जीता था, पिछली उनकी चल ठीक है। सोई अभी हम बाद में हम दोनों ही बात करेंगे। ठीक है, वो डिस्कवर चाइना, मार्को पोलो। मार्को पोलो जब चाइना में आए, वहां पे पेपर जो है, वहां उसकी मेंशन हो चुकी थी। पेपर जो पहली बार बनाया गया वो चाइना में ही बना था। मार्को पोलो ने यहाँ पे इनकी टेक्नोलॉजी को सीखा, किसकी, प्रिंटिंग प्रेस की, प्रिंटिंग कल्चर की टेक्नोलॉजी सीख के इटली गए, कहाँ गए, अपने देश वापस इटली गए और वहां पे प्रिंटिंग कल्चर को एस्टेब्लिश किया। फिर वहां से जर्मन थे जॉन गुटेनबर्ग, इन्होंने ऑलिव ऑयल के साथ प्रिंटिंग शुरू की। ठीक है, पहली बार इन्होंने 300 बुक्स पब्लिश की, नहीं उसके बाद जापान ने, जब प्रिंटिंग कल्चर पूरी जगह एस्टेब्लिश हो गया, जापान बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु पब्लिश 300 कॉपीज ऑफ बाइबल। ठीक है, 300 कॉपी ऑफ बाइबल पब्लिश हुई कहाँ पब्लिश की थी, जापान। ठीक है, ये जर्मन के थे, इनको फादर ऑफ प्रिंटिंग बोला था। फादर ऑफ प्रिंटिंग किसको बोला जाता है, जॉन गुटेनबर्ग। हिटलर ने कहाँ बता था, जर्मनी का। फॉक्स वॉक्स वैगन जर्मनी, ये तो आपको आता ही है ना। जर्मेनिया वॉच, जर्मेनिया गार्मिन वॉच जो है वो भी गार्मिन था, जर्मेनिया वाला, जर्मेनिया एक कुछ और है। ठीक है, अब मार्को पोलो जो है इन्होंने डिस्कवर चाइना किया। चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ वर्ल्ड है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वहां पे है, लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब सेकेंड ग्रेट वॉल इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, इंडिया में, कुंभलगढ़ इंडिया में। ठीक है ये भी कर लो, सेकेंड ग्रेट, ये सारे सीबीएस और एनडीए वाले एसएससी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड ग्रेट, भाई बैंकिंग का तो कोई अता पता ही नहीं होता, कुछ भी आता। ठीक है, इनका तो पर्टिकुलर होता है, ये वाले क्वेश्चन इस तरह के इनको आएंगे। ठीक है, तो बैंकिंग वाले तो सब पढ़ेंगे। ग्रेट वॉल ऑफ, सेकंड ग्रेट वॉल ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड
वेयर महाराणा कुंबल महाराणा प्रताप। ठीक है, आप यहाँ देखो भाई, बातें नहीं करो, जिसने बातें करनी है बाहर जाए। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज ने अकबर के बीच जो लड़ाई हुई उस लड़ाई को क्या कहा जाता है? हल्दी 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 घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी मेवाड़ में है। कहाँ पे है? मेवाड़ में नहीं है, राजस्थान में है। ठीक है, और महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के राजा, कौन थे? मेवाड़ के राजा। ठीक है, और बैटल ऑफ ये जो हल्दी घाटी है कौन सी रिवर के ऊपर? हाँ, बैनस, बैनस हो सकते हैं या बानस भी कहते हैं। ठीक है, बानस नदी के किनारे हुई। वेरी गुड सोहित, तू ठीक जा रहा है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है बानस नदी के किनारे हुई। और बस नहीं भाई, आप अकबर ने नहीं, मेरे भाई बैटल ऑफ हल्दी घाटी से बड़े सारे लोग सोचते हैं ये सेना अकबर की थी, बट लीड किसने की थी? क्या बोल रहे? मानसिंह ने। मानसिंह जो थे राजा अंबेर थे, जोधा भाई के भाई। ठीक है, और याद रखिएगा अकबर लीड करके नहीं गया था, मानसिंह ने लीड की थी। ठीक है, अकबर लेड बाय मानसिंह। मानसिंह किसके किंग ऑफ अंबेर, अंबेर जो है आज भी है अंबेर महल। यहाँ इनकी बेटी थी जोधा बाई, अंबेर राजा की बेटी थी जोधा बाई। ठीक है, मानसिंह की बहन थी और इसकी शादी जो हुई थी अकबर के साथ हुई थी। ठीक है, जिसमें से एक बच्चा पैदा हुआ था जांगी। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी याद रखिएगा, में बैनस नदी के किनारे हुई थी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, अकबर की सेना के बीच हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इनके घोड़े ने इनका साथ दिया चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं सेकेंड वॉर ऑफ वर्ल्ड कुंभलगढ़, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रणथंभौर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भरतपुर नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हवा महल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और राजस्थान को लेक ऑफ आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक के नाम से भी जाना जाता है। चुहा था कुछ था, रोक रोक है। ठीक है, महाराणा प्रताप किंग ऑफ मेवाड़ थे और अकबर की जो लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप के साथ उनकी आर्मी को लीड किया था मान सिंह ने, किंग ऑफ अंबेर। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं महाराणा प्रताप हार गए। ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं हारे। ठीक है, हम इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। महाराणा प्रताप जिस फोर्ट में पैदा हुए थे, हर्ष देख इधर, ठीक है, जिस फोर्ट में पैदा हुए थे उसको कुंभलगढ़ फोर्ट कहा जाता है। कौन सा फोर्ट कहा जाता है? कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, वहां पे महाराणा प्रताप पैदा हुए थे और ये ही दुनिया की सेकंड ग्रेटेस्ट वॉल है, दुनिया की फर्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और सेकंड जो है इंडिया की फर्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से क्वेश्चन आता है, जिसने अभी कुछ पेपर दिया उसमें से राजस्थान का एक क्वेश्चन होगा। राजस्थान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, रावाभट्टा। क्या है? रावाभट्टा, राजस्थान में न्यूक्लियर पावर रावाभट्टा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत का, ये राजस्थान। ये एसआई एनडीए सीडीएस में इतनी बार क्वेश्चन आता है,
इतनी बार आ चुका है कि जितने भी आप 2001 से उठाओगे ना, कम से कम 3 बार तो रिपीट हुआ होगा। 2019 तक ये क्वेश्चन रावा बट्टा जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क कितनी बार रिपीट हुआ है? रणथंभौर ये भी राजस्थान में है। सिरसिका नेशनल पार्क भी राजस्थान में है, नेशनल पार्क। भरतपुर नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क भी राजस्थान में है, ठीक है। ये सारे ही राजस्थान के नेशनल पार्क, दीज आर नेशनल पार्क फ्रॉम राजस्थान। हम बहुत बार कर चुके हैं, राजस्थान जो है अपना सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और लार्जेस्ट एरिया है भारत का। लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया राजस्थान, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी, और लार्जेस्ट स्टेट, अगर लार्जेस्ट सिटी जो है इंडिया की वो महाराष्ट्र मुंबई है। लार्जेस्ट सिटी मुंबई है, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया महाराष्ट्र राजस्थान है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, स्मॉलेस्ट स्टेट जो है गोवा है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है सिक्किम है। ये 5 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और ये याद कर लीजिए, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम। सिक्किम जो है भारत की पहली ऑर्गेनिक स्टेट भी है, और कल मैंने आपको बताया डेफिकेशन फ्री सिटी भी है, और यहाँ पे ये 100 एयरपोर्ट पैक्योंग जो है वो भी 100 एयरपोर्ट सिक्किम में बनाया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सिक्किम का लिटरेसी रेट अच्छा है कंपेरेटिवली टू द अदर स्टेट्स, स्मॉलेस्ट स्टेट के। और सिक्किम जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मेकोंग गंगा कॉपरेशन था, बड़े से डिजीजेज अभी फैल रही हैं, वो थी 3-4 डिजीजेज अभी वर्ल्ड में अलग अलग जगह में फैली हैं, वायरसेस थे। वो क्वेश्चन आज का करंट अफेयर बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो कुछ गड़बड़ी होने के कारण करंट अफेयर रहा। आज बड़ा अच्छा करंट अफेयर था, उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग भी थे, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे सारे, और इनमें से ये सारे क्वेश्चन आएंगे। आप देखो यहाँ पे और कुछ भी कोई क्वेश्चन करते हैं, हु डिस्कवर इंडिया, वास्को डी गामा, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। इसको नहीं पता डी गामा, ये पोर्टीज थे, ये क्या थे, ये पोर्टीज के साथ इन्होंने इंडिया में तंबाकू गिफ्ट किया, बोला भाई जी खाओ तंबाकू, और वर्ल्ड की टबैको भी बोलते हैं, टबैको हिंदी का वर्ड, ठीक है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर टबैको के है चाइना और इंडिया। आलू भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। पोटैटोज भी इन्होंने भारत में लाया, टबैको भी भारत में इन्होंने ही लाया है, इसकी खेती इन्होंने ही की है भारत में, ठीक है। चाइना और भारत आज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकेंड कंज्यूमर है इंडिया, ठीक है। आपने देखा होगा गली गली मोहल्ले वाले लोग ऐसे ऐसे करते हैं, हॉस्पिटल जाओ तो हॉस्पिटल की दीवारों में उन्होंने अपने छाप छोड़ी होती है, ठीक है। कहीं भी चले जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में भी आपको दिखेंगे, बहुत सारी जगहों में दिखेंगे, पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। जब आपको अब ये व्यक्ति जो है ना, अब ये सबसे पहले भारत में कौन सी जगह पहुंचा, कोझीकोड जो है केरल में है, सबसे पहले ही केरला जो है स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कोझीकोड में पहुंचा, आज कोझीकोड को कैलिकट कहते हैं, और यहाँ का जो जम्बोरियन राजा था ना, उस टाइम उसने क्या किया, बॉम्बे उसने अपनी बेटी की शादी पोर्टुगीज से करवाई, और बॉम्बे का जो एक हिस्सा था गिफ्ट डोरे में गिफ्ट कर दिया भाई, जम्बोरियन राजा था और उसने बॉम्बे को गिफ्ट किया। केरला जो है अरेबियन सी में है, महाराष्ट्र अरेबियन सी में है,
गोवा अरेबियन सी में है, गुजरात अरेबियन सी में है, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र, गोवा गुजरात गोवा महाराष्ट्र केरला जो है ये कहाँ पे है, अरेबियन सी की में है। अब वेस्ट बंगाल जो है बेया बंगाल में है, उड़ीसा बेया बंगाल में है, आंध्र प्रदेश बेया बंगाल में है, ठीक है, और तमिलनाडु जो है वहां पे तीनों ओशन का संगम होता है, बेया बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, ये यहाँ पे आके मिलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रिप। इंडिया जब सदर्न हेमिस्फीयर में था, भारत एक टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता था, धीरे 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 फॉर्मेशन होती गई, ट्रांसफॉर्मेशन होती गई, तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई कर, ये जो था ना ये भी साथ साथ चल रहा था, मेडास्कर हो गया, मेडास्कर और श्रीलंका साथ साथ चल रहे, मेडास्कर पीछे छूट गया, अफ्रीका के साथ रह गया, और ये जो है ये भारत का टीयर ड्रॉप कहलाने लगा, क्या कहलाने लगा, श्रीलंका टीयर ड्रॉप, जब ये श्रीलंका नहीं था तब ये सिलोन था, ये इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारे ओशन मिलते हैं, कौन कौन से, अरेबियन सी ये कौन सा है, बेया बंगाल, और ये है इंडियन ओशन, यहाँ पे मिलते हैं पाक से, इसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी ये सारे ईस्टर्न फ्रंट रिवर है, ये यहाँ पे ये बेया बंगाल में जाती है, ये सारी क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है एनडीए और सीडीएस में पूछा जाता है, कृष्णा इनमें से कौन कौन सी, अरेंज करो इनमें से कौन कौन सी नदियां ईस्टर्न फ्लोइंग है और इनमें से कौन कौन सी नदी जो है ताप्ती नर्मदा, ये जो है ये कौन, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ये बेया बंगाल में मिलती है ये दोनों, और सॉरी अरेबियन सी में मिलती है, और ये जो है बेया बंगाल में मिलती है, बेया बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र भी मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र जब बेया बंगाल मिलती है, गंगा आपको समझ आ रहा है, ब्रह्मपुत्र जब बेया बंगाल में मिलती है तो वहां पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, क्या बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा, इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज, और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना वो उनकी रूट्स बाहर होती हैं, जब रूट्स बाहर होती हैं उन ट्रीज को मैंग्रोव ट्री कहा जाता है, क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है, क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इस मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, सुंदरबन फॉरेस्ट, सुंदरबन फॉरेस्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और सेकंड मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड जो है वो है सरसिका, क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट उड़ीसा में है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ के क्वेश्चन मैंने आपको एक सीक्वेंस में ही दे दिया, सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है गंगा, यहाँ देखिए भाई गंगा ब्रह्मपुत्र, अब मैं तीन क्वेश्चन आपको सीक्वेंस वाइज दे देती हूँ, आपको याद रहेंगे, आप हमेशा इसको ऐसे ही याद करिएगा, और ये आपको मतलब कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ना उनको ऐसे ही याद किया जाता है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, उनको भी इसी पैटर्न में याद करना चाहिए ताकि आपको याद हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी होते हैं, उसमें प्रैक्टिस करनी होती है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की, कोरोमंडल और सरकार कोस्ट और कितने ये सारे जो भी हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, यहाँ की हाईएस्ट हिल पीक कौन सी है, ठीक है, आप गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, ठीक है, दोनों ही बांग्लादेश में जाती हैं, कहाँ पे जाती हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश में कहाँ मिलती है, बेया बंगाल में, कहाँ मिलती है, बेया बंगाल में, ठीक है, गंगा को बंगाल में, ठीक है, पद्मा कहा जाता है, अब ब्रह्मपुत्र का मैं चार्ट आपको बना देती हूँ, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का चार्ट बना लेती हूँ,
आपको याद हो जाएगा, नए बच्चे बना रहे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से, मानसरोवर तिब्बत, फॉरगेटन सिटी ठीक है, तिब्बत की कैपिटल लाशा, तिब्बत की कैपिटल लाशा, दलाई लामा बिलोंग्स टू तिब्बत ठीक है। मानसरोवर, मानसरोवर में अब यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र को मानसरोवर में तसांगपो कहते हैं ठीक है, ये तिब्बत में इसको कहते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को तसांगपो। अब बड़े बड़े गौ से आती है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश जब एंटर करती है तो दिहांग कहलाती है, क्या कहलाती है, दिहांग। इंडिया में प्लेन है उसको दिहांग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी लिख लो दिहांग एक्सप्रेस ठीक है। हीमा दास, ये एथलीट है हीमा दास, ये भी लिख लो एथलीट ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आती है असम में, आती है अपने ओरिजिनल नेम ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अब आगे बांग्लादेश, जमुना ठीक है, जामुन में, जामुन पता है मार्केट में आए हुए हैं ठीक है, जामुना ये बनता है जामुना ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनको किस तरह याद करना, नए सारे बच्चे मुझे देखिए आप सब ठीक है, करण ने तो बड़ी बार देखा, तुम देखो ठीक है, ये देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा में जो ट्रीज पाए जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमन, क्वेश्चन आते हैं बच्चा ये ठीक है। सुंदरवन डेल्टा में जो ट्रीज पाए जाते हैं, इनको इस तरह ही याद करना है, जब आप इस तरह टेबल से याद करोगे कभी नहीं भूलेगा, लिख के ले लो, जब भी एग्जाम में आएंगे ना आपको आता होगा 100% ये क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन है इतनी बार एग्जाम में आता है कि आप पूछो नहीं, आप कोई भी जब 10+2 वाला एग्जाम भी दोगे ना उसमें क्वेश्चन होंगे ही होंगे ठीक है। सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कौन सा है, सुंदरवन फॉरेस्ट, और मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम क्या है, सुंदरवन फॉरेस्ट, ये भी यूनेस्को हेरिटेज, सुंदरवन फॉरेस्ट ये क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट। और यहाँ पे बंगाल रॉयल टाइगर पाए जाते हैं, बंगाल जो भारत का नेशनल एनिमल है ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं बंगाल टाइगर ठीक है। अब ये आ गया सबसे बड़ा सुंदरवन फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है दुनिया में, वो भी भारत में ही है, वो भी भारत में ही है, भितरकनिका, कौन सा, भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट ओडिशा ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं, जो डेल्टा है, डेल्टा अपने साथ गंगा है और ब्रह्मपुत्र बहुत सारे सिल्ट प्लेस गए लेके आती है, यहाँ पे ट्राइंगल तरह मौत बनाती है और फिर ये अंदर एंटर करती है ठीक है। गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, गंगोत्री से आप गंगा भी कर लो भाई ठीक है, गंगा ओरिजिनेट गंगोत्री, गंगोत्री में कहां से, गोमुख से ठीक है। अब यहाँ पे इसको गंगा ही बोलेंगे, गंगा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको भागीरथी, यहाँ से निकलती है, आपने सुना होगा। अब यहाँ पे मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन कराया था, वो इसी के साथ डील करता है, शिवाकू डायनेस्टी, शिवाकू किंगडम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। शिवाकू किंगडम, ये क्वेश्चन इस साल किसी एग्जाम में आया ठीक है, UPSC। शिवाकू किंगडम जो है ये राजा रामचंद्र का किंगडम है, ईश्वाकू, उसका नाम है ईश्वाकू ठीक है, इक्ष्वाकू आई के है ठीक है, इक्ष्वाकू है ये राजा रामचंद्र के जो उनके पूर्वज हैं वो माने जाते हैं ठीक है। अगर आपने रामायण देखी होगी, जब सेतु बांधने, जब सेतु से पहले राम, भगवान राम समुद्र से प्रेयर करते हैं तो उसको तब जामावंत बताते हैं कि आप
इक्ष्वाकु कुल के हो, और इक्ष्वाकु कुल के एक राजा ने ही इसी वहां पे जो सी था, अरेबियन सी था, जो वो आपके ही किसी मदरी राजा ने बनवाया था, उनके ही मदद से यहाँ पे बड़े सारे काम हुए हैं। तो इस कुल के लोग जब बड़े सारे एंड में राम जी भी हो गए, बहुत सारे इनकी हमने तो मुगल की ट्रीज पढ़े हैं, इनका बहुत बड़ा ट्रीज है, ठीक है, ये इतना बड़ा ट्री है राजा रामचंद्र के टाइम का। उनसे बाद जो भागीरथी आई, उसके बाद राजा रामचंद्र के जो वंशज होंगे उन्होंने आगे कोई मतलब इतने पाप, किसी ने कोई क्राइम किया होगा या कुछ किया था, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो नदियां धरती पे सूख रही थी, नदियां सूख रही थी, उनके फिर एक पूर्व जो भी उनकी पीढ़ियां आती गई उनके उनसे पहले की बात है, राजा रामचंद्र के पहले की बात है, मुझे याद आ गया था कि एक एक करके सब नदियों को शिव की तपस्या करने लगे नदी, क्योंकि हिमालय नदियां जितनी भी है हिमालय की बेटी मानी जाती थी, हिमालय से ओरिजिनेट होती थी, सब करने लगे। कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता धरती पे नदियों को लाने के लिए, गंगा को लाने के लिए। उनमें से एक जो उनका पूर्वज था भागीरथी, कौन भागीरथी, फिर बोलते कि हिमालय कैलाश में जाते हैं, वहां से भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा बहती है, ये गंगा गोमुख में बहती है, ठीक है, गंगोत्री, और यहाँ पे इसका नाम भागीरथी पड़ता है, क्या पड़ता है, भागीरथी। और ये भागीरथी जो नदी है यहाँ पे गंगा नहीं कहलाती, जब ओरिजिनेट गंगोत्री से होती है तो इसको भागीरथी कहते हैं, क्यों, ये भागीरथी गंगा माँ का नाम ही है, गंगा को जिसने धरती पे लाया, यहाँ से भागीरथी होके आगे आती है देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग में एक नदी यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक भागीरथी के आ रही है, एक अलकनंदा, अलक, ये जो डिजास्टर हुआ था 2014 में इसी की वजह से हुआ था, अलकनंदा गंगा की वजह से। अब यहाँ से ये बनती है गंगा, क्या बनती है गंगा, आगे हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए फिर ये जाती है वाराणसी, वाराणसी से बिहार पटना सब घूम के वाराणसी में अलाहाबाद में संगम होता है, संगम से ये बंगाल की तरफ चले जाती है। तो यहाँ पे संगम होता है ना, वहां तीन नदियां मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ट्रिब्यूटरी, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है ये यमुना है, कौन है, यमुना, जमुना नहीं, यमुना, जमुना जो है ब्रह्मपुत्र है, जमुना क्या है ब्रह्मपुत्र है, और वो जमुना कहाँ बहती है, बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन समझ आए सबको, ठीक है, ये तो आपको एक सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे या जो करंट अफेयर या जनरल स्टडीज की होते हैं वहां पे इस तरह के टॉपिक एक करेंगे तो 10 साथ में तरह पढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए एक एक चीज को याद करना पड़ता है। गंगा गंगोत्री गौमुख से निकलती है, भागीरथी ने गंगा कहलाती है, आगे देवप्रयाग में मिलती है, पौड़ी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता देवप्रयाग, फिर ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा बनाती है, ऋषिकेश में एंटर होती है, हरिद्वार से आगे का सफर करती है, लखनऊ यूपी में है बट लखनऊ में गंगा नहीं बहती, गोमती बहती है, कौन सी, गोमती, गोमती का जो पुराना नाम है घाघर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको मेंशन है और ऋग्वेद में भी मेंशन है गोमती। और जो अयोध्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अयोध्या जो है ये सरयू, सरयू नदी के किनारे है, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आज के रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका सुन लो, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में, ये कोसला किंगडम के नाम, आज भी इनको कोसला किंगडम कहते हैं, ठीक है, और ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक किंगडम था, इसके जो फाउंडर थे वो साना वायवश्वता मनु थे, वायवशावता मनु के बेटे थे, कौन, इक्ष्वाकु, ठीक है, इनकी कैपिटल जो थी सकेता एंड अयोध्या थी, अयोध्या को बाद में अवध का नाम दे दिया गया, अवध भी रामायण में, आपने अगर रामायण पढ़ते होंगे तुम में से कोई बच्चे, तो रामायण में बहुत बार अवध आता है, वर्ड आता है अवध, ठीक है, राम जी अवध के थे, ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट जो कुशा नला सेकंड इक्ष्वाकु जो रूलर थे उनके जो इम्पोर्टेंट किंग थे रूलर थे वो कुशा नला सेकंड रह चुकी हैं, ठीक है,
और इन्होंने इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया था पूरे भारत में मनु समृद्धि को। याद रखिएगा मनु समृद्धि वॉज इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द इक्ष्वाकु रूलर्स, क्योंकि ये मनु के वंशज थे। तो मनु के मनु जो था, मनु क्या है, मनु समृद्धि लॉ, फर्स्ट लॉ जो भारत में लॉ जो थे मनु ने, हु मेड लॉ इन इंडिया, एंशियंट भारत में बोलते लॉ जो बनाए थे मनु ने बनाए थे। किसने बनाए थे? मनु ने, मनु समृद्धि। आप जब लॉ करते हैं ना, हिंदू जो लॉ है उसमें मनु समृद्धि पढ़ाई जाती है, हिंदू लॉ में मनु समृद्धि के बिना नहीं चलता। और बाद में 1956 सक्सेशन एक्ट हुआ जिसमें हिंदू सिख जैन और बुद्धिज्म के लॉज कॉमन हो गए, उनके लिए सेम लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है। और लास्ट रूलर जो थे सुमित्रा, लास्ट रूलर कौन थे? सुमित्रा। ये आपका रहा इक्ष्वाकु। और आपको पता है आपसे ज्यादा कश्मीर वालों को हिस्ट्री आती है, उनको पूछोगे उनको आपसे ज्यादा आती होगी, ये सारे उनको एक 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 चीज आती होगी। ये ऐसा नहीं है कश्मीर के बच्चों को इतनी हिस्ट्री आती है ना जितनी जम्मू के बच्चों को नहीं आती, अगर वो वाक्य में पढ़ते हैं, वो अगर इंटेलिजेंट है तो वाक्य में है, ठीक है। वो मुस्लिम है उनको एक एक चीज आती होगी। अरे यार तू सोहित, ठीक है। अब मेरी आज की क्लास यही खत्म होती है। आपको समझ आया? आपको 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 और हिमांशु करण बस बात करना, ठीक है। चलो थैंक यू, जय हिंद।